आज भारत बंद है, जिसको देखते हुए रायबरेली, आगरा, गाजियाबाद, सहरसा में पुलिस और सुरक्षा अलर्ट मोड पर है। टेलीविजन स्क्रीन पर चार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर रायबरेली की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से व्यवस्था को चाकचौबंद किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, किसी भी तरीके से कोई अराजकता न फैलने पाए, कोई भी अराजकता न फैलाने पाए, उसको लेकर के खासे तौर पर पुलिस प्रशासन और पुलिस टीम की नजर है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है। जिस तरह से युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है अग्निपथ योजना को लेकर, ऐसे में यह कहा जा रहा है युवाओं की तरफ से कि दरअसल उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया जा रहा है, यह अग्निपथ योजना उनके हित में नहीं है। जबकि दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि दरअसल ये जो योजना लाई गई है अग्निपथ योजना, उसको लेकर के जो युवाओं में आक्रोश है उसमें कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है। और अब रुख करेंगे उन्नाव का, जहां पर भारत बंद को देखते हुए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और पुलिस और जीआरपी और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जो वहीं रेलवे स्टेशन पर डीएमएसपी, सीओ और अन्य उच्च अधिकारी मौजूद हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं कानपुर देहात में रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे जाम करने वालों पर केस दर्ज हुआ है। इस मामले पर 60 से 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस वीडियो और फोटो के जरिए आरोपी लोगों की तलाश में जुटी हुई है। प्रदर्शन के दौरान कई ट्रेनों के प्रभावित होने की वजह से अकबरपुर कोतवाली में कई प्रदर्शनकारियों पर गंभीर धाराओं पर केस दर्ज किया गया है। तो आज भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है उन्नाव में। आप देख सकते हैं टेलीविजन में पहली तस्वीर उन्नाव की है, जहां पर किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर इन युवाओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। युवा रेलवे ट्रैक पर आकर के खड़े हो गए हैं। और दूसरी तस्वीर जो है वो कानपुर देहात की है, जहां पर युवा सड़कों पर उतरते नजर आए, सड़कों पर किस तरीके से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और लामबंद होकर के आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर कानपुर देहात की दूसरी तस्वीर है, यहां पर भी प्रदर्शन देखने को मिला। आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और ऐसे में जगह जगह जिस तरीके से प्रदर्शन की जो वारदातें हैं, जो घटनाएं हैं, वो सामने आ रही हैं। हालांकि भारत बंद का असर खास तौर पर बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। दुकानें खुली हैं, मार्केट खुले हैं, सब कुछ बाजार खुले हैं, लेकिन इसके साथ ही युवाओं में जो आक्रोश है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। युवाओं में जो प्रदर्शन करने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी की पहल पर अलर्ट है प्रशासन। दो लोगों ने केंद्रीय मंत्री से की थी शिकायत, ट्रेन रद्द होने से परेशानी की कही थी बात और जिला अधिकारी के निर्देश पर ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के अन्नपूर्णा क्षेत्र में शुरू हुआ निःशुल्क खाने की व्यवस्था, स्पेशल ट्रेन और सड़क मार्ग से यात्रियों को भेजा जा रहा है। ये बड़ी खबर वाराणसी से है, जहाँ पर ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में यात्रियों की तरफ से शिकायत की गई थी केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी से और ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने बड़ी पहल की है, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि चप्पे चप्पे पर नजर बनाई रखी जाए और यात्रियों को कोई परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। ऐसे में ट्रेन रद्द होने से जो यात्रियों को परेशानी हो रही है उसको लेकर के व्यवस्था भी की गई है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि ये समुचित व्यवस्था जिलाधिकारी के निर्देशों पर किया गया है। वाराणसी से ये खबर है, जहां पर यात्रियों की व्यवस्थाओं का खासा ध्यान रखा जा रहा है और जिलाधिकारी ने अधिकारियों को, जिले के अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए यात्रियों को और ऐसे में खाने पीने की समुचित व्यवस्था भी कराई गई है जिला प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक झा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभिषेक,
किस तरीके की व्यवस्थाएं वाराणसी में की गई हैं जिला प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, और जो यात्रियों को असुविधाएं हो रही थी, खबर यह भी सामने आई है कि उसमें से दो यात्रियों ने केंद्रीय मंत्री से शिकायत भी की है। देखिए, ये कल दोपहर का मामला है और जिस तरीके से भारत बंद था और उसके अलावा जो ट्रेनें जलाई गई, तो बिहार की तरफ और जो बंगाल और दक्षिण की तरफ जाने वाली ट्रेनें हैं वो बड़ी संख्या में प्रभावित हुई और करीबन 3000 से ज्यादा जो दक्षिण भारतीय यात्री थे वो यहाँ फंसे हुए थे। उसमें से दो लोगों ने, जी किशन रेड्डी है केंद्रीय मंत्री, उनसे संपर्क किया तो फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने बाकायदा यहाँ के जिलाधिकारी से फोन पे वार्ता की और उसके बाद ये तमाम तरीके के इंतजाम हुए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर में ही उनके खाने का इंतजाम जो है अन्नपूर्णा क्षेत्र की ओर से किया गया और साथ ही साथ जो 3000 यात्री हैं उनको वापस अलग अलग माध्यमों से उनके गंतव्य तक भेजने का इंतजाम जो है वो जिला प्रशासन ने कराया है। जिस तरीके से ये अग्निपथ योजना का जो विरोध हुआ पूरी तरह से और उसके बाद जो ट्रेनें निरस्त की गई, खास करके अगर तेलंगाना में जैसे बात किया जाए, सिकंदराबाद में ट्रेन फूंक दी गई थी तो कई ट्रेनों को उसके बाद रद्द किया गया। बिहार और बंगाल की तरफ से जाने वाली जो ट्रेनें होती है मात्रा में बड़ी संख्या में जो है उनको रद्द किया गया, पूर्वोत्तर रेलवे की हो या ECR की हो या NCR की हो, तो कई रेलवे लगातार यहाँ बनारस में फंसे हुए हैं और बनारस जो है यहाँ पे लगातार कई श्रद्धालु जो है देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पे आते रहते हैं जिसमें दक्षिण भारतीय बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और वही 3000 से ज्यादा की संख्या थी जो कि एक समूह में आया था तेलंगाना की तरफ से। वहीं से जो मंत्री है जी किशन रेड्डी, उनकी पहल के बाद ये पूरा तमाम इंतजाम किया गया है और जिला प्रशासन जिलाधिकारी से बात करने के बाद इसको किया गया है। अगर भारत बंद का जिक्र करें तो जिस तरीके से इन्हें युवाओं की तरफ से आह्वान किया गया था भारत बंद का, वाराणसी में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, अग्निपथ योजना का जिस तरीके से 17 जून को विरोध हुआ था और जो तोड़फोड़ और उपद्रव बनारस के लोगों ने देखा था, वैसा कुछ भी आज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। उसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। एक तो कल जब से सेना अध्यक्ष, जो तमाम तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरीके से घोषणाएं की और जो स्थिति को साफ किया उसके बाद एक सीधा संदेश गया और दूसरी बात है कि प्रशासन की ओर से आज जो सख्ती है वो बेहद ज्यादा बढ़ा दी गई है। केवल पुलिस ही नहीं बल्कि PSC और साथ ही साथ उनके जो है RAF की टुकड़ियां लगाई गई हैं, दंगा निरोधक जो बल होता है वो, उसके अलावा होटलों से लेकर के जो हाईवेज हैं वहां पे बाकायदा पुलिस की तैनाती की गई है। हर आने जाने वाले पे निगरानी रखी जा रही है। तमाम जो प्राइवेट बसें गाजीपुर और अन्य जिलों से आती है उनके यात्रियों की पहचान की जा रही है कि लगा करके बना करके तो नहीं आ रहा है, और ये तमाम इंतजाम किए जाने की वजह ये है कि आज की तारीख में आज जो भारत बंद का असर है उसका कोई भी रत्ती भरी असर जो है वो वाराणसी में देखने को नहीं मिल रहा है। स्थिति पूरी तरह से और जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। यानी अभिषेक, वाराणसी में बाजार और जो हाट है वो सब खुले हुए हैं? जी, वाराणसी में आज भारत बंद का कोई भी असर नहीं है, बाजार पूरी तरह से खुले हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभिषेक। और उधर अलीगढ़ टप्पल कांड पर अफवाह फैलाने वाले 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आज पुलिस ने इस मामले में 68 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस 50 लोगों को पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है और कुल मिलाकर अभी तक 118 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। भाजपा नेता सुधीर शर्मा को गिरफ्तार किए जाने इसके सवाल पर SSP कलानिधि नैथानी ने कहा कि अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। भारत बंद का अलर्ट था जिसके लिए सभी जगह पर, जो भी संभावित जगह हम लोगों के यहाँ है उस पर फोर्स लगाया गया है और लोगों से भी वार्ता की गई है, सम्रांत लोगों से भी की गई है, जो इनके गांव के प्रधान वगैरह इनसे की गई है और जितने भी लोग हैं सभी को कहा गया है किसी भी तरह की अराजकता ना हो। फोर्स अलर्ट है और सभी मामला जो है शांतिपूर्ण। क्या अभी तक कार्रवाई की गई है जो अलीगढ़ में उपद्रव हुआ जो 3 दिन पहले हुआ था, उसी दिन उसको शांत कर दिया गया था। उसमें मुकदमे दर्ज कराए गए थे, टप्पल थाना क्षेत्र में 4 कराए गए थे। उसके बाद जो कुछ अफवाहें सोशल मीडिया में फैल रही थी उसके भी 6 मुकदमे और कराए गए थे। उसमें अब तक लगभग मुकदमों में 68 आदमी और इसके अलावा 151 आदमी मिलाकर के, कुल मिलाकर के 118 लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है और जो सोशल मीडिया है उस पर लगातार निगरानी हम लोगों ने रखी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ फोन लाइन में बने हैं। विशाल, क्या कुछ खबर पर अपडेट है? भारत बंद का असर कितना अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है?
जिस तरह से अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ के अंदर भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन कहीं भी भारत बंद का जो असर है वो अलीगढ़ में देखने को नहीं मिला है। वहीं एसएसपी अलीगढ़ द्वारा ये बयान जारी किया गया कि इसमें अभी तक 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, और गिरफ्तारी की बात की जाए तो 150 से लगभग ये गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, और आगे भी कार्रवाई करने के जो निर्देश है वो विभाग को दिए जा रहे हैं कि जिस तरह से और भी लोग जो चिन्हित किए जा रहे हैं सीसीटीवी के आधार पर और जो पोस्टर के आधार पर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। और लगातार आज इसी क्रम में देहात क्षेत्रों में जिस तरह जहां पर टप्पल क्षेत्र में जहां पर ये बवाल किया हुआ था, उस टप्पल क्षेत्र में भी आज बिल्डोजर लेकर उस वहां पर एक पैदल गश्त किया गया बिल्डोजर लेकर, तो कहीं ना कहीं जो लोग उपद्रव करने वाले थे उनको कहीं ना कहीं समझ में आएगा, क्योंकि जिस तरह से बाबा का बुलडोजर पूरे प्रदेश में दिखाई देखने को मिल रहा है तो उसी बुलडोजर को लेकर आज पुलिस महकमा वाला अधिकारी जो बिल्कुल निशान दिए, बड़ी कार्रवाई करने की आज तैयारी में अलीगढ़ प्रशासन है। लेकिन इसके साथ ही अगर प्रशासनिक अधिकारियों का जिक्र करें, वो चाहे रेलवे स्टेशन का या फिर बस स्टेशन का जिक्र करें, वहां पर किस तरीके से चौकसी बनी हुई है प्रशासनिक अधिकारियों के पुलिस टीम की? जिस तरह से बात की जाए कि भारत बंद को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, रेलवे स्टेशन पर भी अलर्ट जारी है, रेलवे स्टेशन के आरपीएफ और जीआरपी के जवान जो हैं वो लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं, और जगह जगह जो स्टेशन बने हुए हैं छोटे छोटे जो स्टेशन है ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्टेशन है उनको भी वहां पर जाकर चेक किया जा रहा है और फोर्स लगाई गई है, क्योंकि जिस तरह से जगह जगह जाकर ट्रेनों पर उपद्रव किया जा रहा है, ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, तो ट्रेनों की सुविधा के लिए ट्रेनों को बचाने के लिए जो पुलिस आरपीएफ और जीआरपी लगातार वहां टीमें गठित कर जो जवानों को तैनात किया गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए निशांत। और अग्निपथ योजना के विरोध में पटना में एसएफआई एआईडीएसओ कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और योजना को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने योजना रद्द नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान भी किया है। पुलिस ने कारगिल चौक पर विरोध मार्च को रोका है, तो ये खबर पटना से है जहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और अग्निपथ योजना के विरोध में जिस तरीके से छात्रों में आक्रोश देखने को मिला, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और इस योजना को वापस लेने की मांग लगातार छात्रों की तरफ से की जा रही है, और ये कहा भी जा रहा है छात्रों की तरफ से कि मांग नहीं माने जाने पर ये आंदोलन लगातार इसी तरह जारी रहेगा। तो छात्रों का लगातार प्रदर्शन जारी है, अग्निपथ योजना के विरोध में मार्च निकाला गया आज पटना में। आज की ये तस्वीरें हैं जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि दरअसल अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन में बनी हुई है। रजनी, जिस तरीके से आज भी ये प्रदर्शन देखने को मिला युवाओं में, भारत बंद का आह्वान किया गया था, पुलिस की चौकसी भी थी, लेकिन प्रदर्शन किस तरीके का रहा और बंदी को लेकर के अगर जिक्र करें तो पटना में कितना असर पड़ रहा है? और देखिए, भारत बंद को लेकर बिहार में जिस तरह का अलर्ट जारी था, उस अलर्ट का परिणाम ये हुआ कि जो असर पड़ना चाहिए भारत बंद का वो असर नहीं पड़ा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ छात्र संगठन थे जिन्होंने मार्च निकाला था, ये अशोक राजपथ से मार्च निकालकर कारगिल चौक पर पहुंचे थे, लेकिन किसी तरह के कोई हंगामा नहीं कर सके क्योंकि वहीं पर पुलिस ने बैरिकेड करके इन्हें रोक लिया। और तमाम जो मार्केट है वो जरूर अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चूंकि दो दिन पहले जिस तरह के हादसे हुए थे उसे लेकर तमाम दुकानों को बंद कर रखा था लोगों ने, लेकिन किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की अभी तक सूचना नहीं आई है। 20 जिलों के इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है, काफी कंट्रोल में है क्योंकि हर जगह पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस के बाहर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, रेलवे स्टेशन हो या फिर पटना के मुख्य चौक चौराहे हो, हर जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं, तो किसी भी तरह की किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और ना ही ऐसी कोई वारदात अब तक हुई है। जी रजनी, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं इसमें छात्र तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी नजर आ रहे हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि वो छात्रों के परिजन होंगे या फिर किसी सियासी दल, किसी राजनीतिक दल से लोग ताल्लुक रखते हैं क्या?
देखिए ये छात्र संगठन है, एआईएसएफ और जो वाम दल के लोग हैं, ये तमाम लोग उस छात्र संगठन को का ये जो बंद का आह्वान था उसे सपोर्ट कर रहे थे, और उसी सपोर्ट में ये लोग साथ में पॉलिटिकल पार्टीज के वाम दल के लोग सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया है। और ये जो कानून लागू होने वाला है, ये जो अग्निपथ योजना को वापस लेने की लगातार हर किसी के हाथ में तकती थी, और चूंकि ये सरकार पे हमला है, केंद्र सरकार पे हमला है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी आवाजों को इसी बहाने बुलंद करता नजर आया। बिल्कुल रजनी, लेकिन लगातार जिस तरीके से युवाओं की तरफ से आवाज उठाई जा रही है, हालांकि कल जब साफ तौर पर यह कह दिया गया तीनों सेनाओं के प्रमुख की तरफ से कि ये जो योजना आई है अग्निपथ योजना युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए है और ये योजना बहुत ही सोच समझकर लाई गई है, अब इस योजना को वापस लेना मुश्किल है, ये योजना वापस नहीं ली जाएगी, तो क्या अभी भी छात्रों में ये बात समझ नहीं आ रही है और ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भ्रम है योजना को लेकर के तो वो आप सवाल करिए, वो सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए छात्रों के आंदोलन का शुरू से ही इतिहास रहा है, लेकिन आंदोलन का ये स्वरूप जो इस बार इख्तियार किया गया ये स्वरूप कभी नहीं रहा है, तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ छात्रों के आंदोलन का ही इसे हवाला नहीं दे सकते, क्योंकि अब ये मामले तलाशे जा रहे हैं कि इस आंदोलन में, इस आंदोलन के बाद जो तांडव किए गए, रेल पे जो तांडव हुए या फिर पुलिस भवनों पर जो तांडव हुए, जिस तरह के तांडव बिहार में हुए, उसके पीछे क्या छात्र संगठन ही है या फिर कुछ और लोग हैं, वो कौन से लोग हैं, कई ऐसे कोचिंग संस्थान को भी इंडिकेट किया गया और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है, तो अब ये पूरे मामले को तलाशा जा रहा है कि क्या ये वाकई छात्रों का आंदोलन था या फिर इस आंदोलन की आड़ में कोई बड़ी राजनीतिक साजिश। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए रजनी। भारत बंद को देखते हुए पटना में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों के रद्द होने की वजह से सन्नाटा छाया हुआ है, मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु कुमार सिंह ने। मैं मौजूद हूं पटना जंक्शन स्टेशन पर, आप देख सकते हैं सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम है, सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद हैं, उपद्रवी किसी तरह का उपद्रव न मचा पाए इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, अधिकारी भी आ रहे हैं, लगातार जा रहे हैं और मुआयना कर रहे हैं, सुरक्षाकर्मी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। रेलवे पर स्टेशन परिसर पर जहाँ तक बात है सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि कई ट्रेनें जो हैं वो रद्द हो गई हैं, तो यहाँ पर जो है पैसेंजर्स लगभग नाके बराबर दिख रहे हैं। पटना रेलवे स्टेशन पर इस वक्त जो है काफ़ी भीड़ रहती थी, लेकिन लोग जानते हैं कि जिस तरह से ये विरोध हो रहा है तो यहाँ पर जो है पैसेंजर्स ट्रेन पकड़ने की बजाय जो है वो बस का रुख कर रहे हैं और बस पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पूछताछ काउंटर पर यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है, ये पूछताछ काउंटर यहाँ काफ़ी भीड़ रहती थी, यहाँ पर एक समय यहाँ काफ़ी भीड़ रहती थी और लगातार पूछताछ के लिए पैसेंजर्स आते रहते थे, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट सन्नाटा छाया हुआ है, एक सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और कुछ सुरक्षाकर्मी हमारे इधर मौजूद हैं जो पूरी तरह से चौकस है और किसी तरह से उपद्रव ना फैले, लोगों को परेशानी ना हो, वो पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं, तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बिहार में जिस तरह से यहाँ पर विरोध हो रहा है और कई स्टेशनों पर जो है ट्रेनों को आग लगाई गई, तो यहाँ पर से है प्रशासन किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहा है, आप हर तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और उपद्रवियों से निपटने के लिए पूरी तरह से वो कमर कसे हुए हैं। आपको दिखाऊँ यहाँ रेलवे स्टेशन जो है आप दूर दूर तक देख सकते हैं, सुरक्षाकर्मी जो है मौजूद हैं यहाँ पर, पैसेंजर्स जो हैं जिनको यात्रा करनी है वो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है ये जानकर जब उन्हें पता चलता है कि कई ट्रेनें रद्द हैं, तो वो कुछ और अपना इंतजाम कर रहे हैं अपने गंतव्य स्थल को जाने के लिए। तो एक तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारत बंद जो है आज ऐलान किया गया है और यहाँ पर पटना में खासकर जो बिहार की राजधानी है यहाँ से प्रशासन जो है पूरी तरह से चौकस है। पटना से हिमांशु कुमार सिंह, इंडिया वॉइस के लिए। पूरी जगह हमारी पर्याप्त तैयारी है, काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल प्रशिक्षित है और अभी तक बिल्कुल सफल रेलवे चल रही है। पर्याप्त संख्या में हमारे पास CRPF है, SSP है, RPF है, RPSF है और जो हमारे बिहार पुलिस के लोग हैं सारे लोग लगे हुए हैं, काफ़ी सारी
किसी भी अवांछित घटना गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त। भारत बंद को लेकर आरा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल चौकस है। स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों की चेकिंग और पूछताछ की जा रही है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हमारे संवाददाता नेहा गुप्ता मौके का जायजा ली। हाँ, एक और आरा रेलवे स्टेशन का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, जहां एंट्री किसी की नहीं है और जो सुरक्षा को लेकर कई संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि आरा रेलवे स्टेशन का जो अंदर जाने का है, वहां किसी को, आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं है। हमारे साथ है आरा के BDO सोनू जी। क्या व्यवस्था की गई है? भारत बंद को देखते हुए सभी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। CRPF है, रेलवे के जो पुलिस हैं, GRP हैं। इसके अलावा पूरे शहर में हमारे DMSP साहब के द्वारा, SDM साहब के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। तो और ट्रैफिक व्यवस्था भी हम लोग लगातार यातायात थाना के माध्यम से बनाए हुए हैं। अभी एंट्री हम लोग लोगों को पूछ के ही भेज रहे हैं, ताकि जिन जो आवश्यक लोग हैं वहीं अंदर जाएँ, और बाकी हम लोग लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जो इंस्ट्रक्शन है हमारे सीनियर्स का, वो हम लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं। इसलिए अभी तक स्थिति सामान्य बनी हुई है और हम लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से भारत बंद है, इससे पहले जो गुरुवार को घटना हुई थी पूरे रेलवे स्टेशन पर, जो तोड़फोड़ हुई थी, और इसके अलावा जो स्टेशन पर कई असामाजिक तत्वों द्वारा जो तोड़फोड़ किया गया था, इसे देखते हुए रेल प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रेल यात्रियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि ट्रेन चली नहीं रही है तो वो जाएंगे कैसे। इसे लेकर एहतियात के रूप में सब पूरा DMSP खुद निरीक्षण कर रहे हैं पूरे इलाके में। अब देखने वाली बात होगी, जो जैसे जैसे दिन चढ़ता है, भारत बंद का क्या असर रहता है। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर से इंडिया वॉइस के लिए। आरा रेलवे स्टेशन में जहां एक और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले से बता दें कि जिस तरह से भारत बंद की घोषणा की गई थी पहले, और इसे लेकर आरा रेलवे स्टेशन पर CRPF फोर्स और स्थानीय रेल प्रशासन की फोर्स और जिला प्रशासन की फोर्स पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का नज़ारा है। अगर हम बात करें तो ट्रेन की बात करें तो कोई भी ट्रेन स्टेशन से गुजर नहीं रही है, बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ यात्री भी नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पूर्व में जो घोषणा की गई थी भारत बंद का, इसे लेकर लोगों में थोड़ा ना थोड़ा लोग डर है, और इस वजह से लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। और अग्निपथ को विरोध प्रदर्शन को लेकर जिस तरह से पहले घटना हो चुकी है, खासकर अगर रेलवे स्टेशन आरा की बात करें तो तोड़फोड़ और लूटपाट जैसी घटना हो चुकी है, इसे लेकर स्थानीय जिला प्रशासन और स्थानीय रेल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा को देखते हुए पूरी तरह फोर्स तैनात। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।